कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने आया एक लड़का नदी में ही डूब गया। इसकी जानकारी उसके साथ स्नान कर रहे उसके साथियों ने दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी लालगंज थाना और अंचलाधिकारी को दी, जिसके बाद लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और BDO नीलम कुमारी पहुंचे और SDRF की टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की खोजबीन की जा रही है। दरअसल गंगा स्नान को लेकर सोनपुर हाजीपुर के साथ साथ लालगंज के बसंता जहानाबाद और खंजाहाचक घाट पर भी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जुटती है। ऐसे में प्रशासन सुरक्षा के ख्याल से ही सभी घाटों पर बैरिकेटिंग, लाइटिंग और चेंजिंग रूम समेत कई प्रकार की सुविधा मुहैया करता है। बैरिकेटिंग के बावजूद कई बार नदी में स्नान करते करते लोग गहरे पानी में चले जाते हैं, जिससे अप्रिय घटना घट जाती है। ताजा मामला लालगंज के खंजाहाचक घाट की है, जहां शाहदुल्लापुर गांव के स्वर्गीय राजकुमार ठाकुर का 18 वर्षीय लड़का रत्नेश कुमार अपने साथी के साथ स्नान करने पहुंचा। स्नान करने के दौरान डुबकी लगाया और वह फिर बाहर नहीं निकल सका। इसकी जानकारी साथ में स्नान कर रहे लड़कों ने स्थानीय लोगों को भी दी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को फोन कर घटना के बारे में बताया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को फोन कर घटना के बारे में बताया जिसके बाद स्थानीय गोताखोर और SDRF की मदद से शव की खोजबीन की जा रही है। हालांकि खबर भेजे जाने तक शव बरामद नहीं हो सका है। मुरई बेचने आए। मुरई बेचने कहाँ पे? वहाँ मेला। कौन घाट पे? खंजाहाचक घाट पे। क्या हुआ था? मुरई बेच के लोग आने ठेला पर रख दिए कपड़ा, आने निहाए। किसके साथ नहाने आए थे? रत्ने। कई आदमी के साथ था? पांच। पांच आदमी। कितने बजे के टाइम होगा? वही 12 बजे, 11:30 बजे। 11:30 बजे। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो डूब गया, डूबी मारा, बस ना निकना, हमने से निकाल के चिल्लाने लगे। उसके बाद वो एक बार निकला तो यो चिल्लाया तो कोनो नहीं गया। इस घाट पे बांस से घेरा हुआ था, उसके बाद वो अंदर कैसे चला गया? इधर निहारा था, ब्रेकेटिंग के इधर इधर डूबा है जी। उस समय कोई था या नहीं यहाँ पे? कोई यहाँ और लोग स्नान कर रहे थे या नहीं? स्नान कर रहा था। रहे थे। क्या चिल्लाए हो, क्या हुआ था? हम चिल्लाए तो कोनो नहीं गया। अच्छा, नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम उन्हें से बाहर निकल गए तो हम गए बिहारी मामा के बुलाने। उसके बाद उन्हें से आए तो आदमी से भीड़ हो जाएगी। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। आज सुबह गांव के बगल के सदुल्लापुर के हरिद्वार से चपास हो गया था गंगा स्नान में निहाने, उसी आवर में डूब गया है। कौन घाट पर आए थे? एक घंटा से। कहाँ के लड़का था? सदुल्लापुर। इनका लड़का था? स्वर्गीय राजकुमार ठाकुर का पुत्र हुआ। कितने वर्ष के रहे? लगभग 17-18 वर्ष का लड़का था। तो कैसे मालूम चला है कि डूब गया? उसके साथ जो निहार रहा था लड़का, यहाँ से कुछ लोग भी गया है वहाँ तक, गांव में सूचना मिला है फोन से कि यहाँ डूब गया है, तो हम वहाँ से आए हैं। प्रशासन के लोग आए हैं क्या? प्रशासन के लोग खबर करने के बाद लोग आए हैं। SDRF की टीम आई है? SDRF की टीम शिव मैडम को फोन किया है तो जहानाबाद घाट से लगभग 1 घंटा के बाद यहाँ पहुँचा। खोजबीन चल रहा है क्या? खोजबीन तो चल रहा है। क्या अभी तक कुछ मालूम चला? अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। घाट बच्चा डूब गया था, पूरा लोग जुटा हुआ था, हम देर से आ रहे थे तो देखे तो हम डूबी मार के खोजने लगा। कितने देर खोजे होंगे? लगभग हम खोजे हैं 1/2 घंटा। कहीं कुछ पता चला है क्या? हमको जांग उसका सटा था। अच्छा भाई, फिर दोबारा वो इतना ना गहरा पानी हम उठाए हैं और हम नहीं ऊपर आने पर आ रहे थे तो छोड़ दिए। माने आपको जब खोज रहे थे उस समय बच्चा का मिला था, गहरा पानी होने के कारण छोड़ दिए हैं। उसके बाद खोजे तो नहीं पता चला।